मूंग और मसूर की दाल तैयार की है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से। किस तरह तैयार की है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखा करें, और इसके अलावा रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तैयारी इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुरम होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल, जो कि बहुत ही आसान है और मुझे बहुत मज़े की लगती है। और इसके लिए जो है वो मैंने आधी आधी मकदार दोनों की ले ली है बराबर। मूँग की दाल है 1 कप और मसूर की दाल है 1 कप। दोनों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है आगे, मैं किस तरह बनाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास अब मसाला जार जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और दाल जो है वो मैंने धोकर जो है भिगो दी है। 1 खाने का चम्मच मैंने प्याज लिया है, बहुत ही बारीक चॉप किया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 चाय का चम्मच जो है, माफ़ कीजिएगा गला ख़राब है, 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने पीस लिया है, और ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, ऐसे मोटा मोटा सा दड़दड़ा कर लिया है। 1 चुटकी कलौंजी है, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें जितना आप खाना चाहते हैं मिर्चों को तेज़ या हल्का, 1 खाने का चम्मच नमक है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें, 1 टमाटर है। इसको मैंने इसलिए नहीं काटा कि ये देखें ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, मैंने टमाटरों को फ्रीज़ किया हुआ है तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रीज़ टमाटर नहीं है, फ्रेश हैं, तो आप उनको काट कर 1 टमाटर काट कर डाल दें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने 4 गिलास पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, जो कि हो चुका है गर्म। ये तमाम मसाला जात, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, सब मैं इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब मैं इसमें दाल भी शामिल कर दूँगी। दाल भी जो है वो मैंने भिगो दी थी धोकर, और ये दाल भी जो है मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दाल शामिल कर दूँगी इसमें, दाल भी देखें शामिल कर दी है। और अब आप इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें अगर आप कुकर में नहीं पका रहे, और मैं इसको कुकर में पका रही हूँ इसलिए मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए जो है कुकर को बंद करूँगी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 7-8 मिनट बाद कुकर को खोला है तो दाल देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल ठीक दाल गल गई है। और अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। 4 खाने के चम्मच घी डालकर रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। जो चीज़ें हैं वो 1 चाय का चम्मच मैंने प्याज काटी है, 2-3 कलियाँ लहसुन की हैं बारीक बारीक काटी हैं, 1/2 चाय के चम्मच जीरा है साबुत है, और गोल वाली लाल मिर्च है, ये 3-4 ले ली हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी है 1/2 चाय के चम्मच साफ़ कर ली है, और 1/2 चाय के चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला है। घी गर्म हो गया जी, हम इसमें लहसुन शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा गोल्डन हो गया है तो अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्राउन हो गया तो हम इसमें गोल वाली लाल मिर्चें डालते हैं, साथ ही जीरा भी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तड़का तैयार हो गया है और अब हम इसको जो है वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी देर इसको ऊपर रखेंगे ताकि ऑयल या घी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो निकलना जाए सारा बाहर। ये देखिए तड़का लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कसूरी मेथी है ये हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1/2 चाय के चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको डाल दिया और 2 मिनट हम इसको रख देंगे दम पर। दम हो गया है, 2 मिनट हमने दम लगाया था तो हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है। तो जी कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए।